वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताऊँगा, 13, 14 और 15। और ये मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करते जा रहा हूँ, क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023-24 वाला, तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, राइट। पुराना वाला अगर बुक एडिशन होगा उसमें बस ईयर का क्या होगा, चेंजिंग होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, आपका सेम होगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का मैंने क्वेश्चन एज सोल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या हैं, अपलोड हैं। नहीं देखा जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, फिर क्वेश्चन नंबर 15, राइट। और देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 है, इसमें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू इनडायरेक्ट मैथड के द्वारा आपको कैश इनफ्लो या आउटफ्लो क्या करना है, पता करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। बोलता है क्या, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फ्लोइंग्स, यानी आप बताइए कि जो आपका एक्टिविटीज़ है, ये जो आपका ट्रांजेक्शन है, इसके द्वारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ तो कितना। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिए। पहला बोलता क्या है, नंबर वन में प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना आपका, 2.5 लाख, यानी जो आपका ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना है आपका, 2.5 लाख, 2,50,000। और बोलता क्या है, आफ्टर कंसिडरिंग द फ्लोइंग आइटम, यानी जितने भी आइटम्स हैं इसको कंसिडरिंग करने के बाद, मतलब इसको प्लस कर, प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, 2.5 लाख, ठीक है जी। उसके बाद देखिए क्या क्या है, पहला है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स पे डिप्रिसिएशन कितना, 10,000। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना आपका राइट ऑफ हो रहा है आपका, 5,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में कितना आप डाल रहे हैं, 7,000। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना आपका, 3,000, ठीक है। तो ये सारे ABCD आइटम को कंसिडरिंग करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना आया, 2.5 लाख। तो ये सब करने के बाद 2.5 लाख है, तो हमको करने के पहले का चाहिए, बिफोर चाहिए, क्या चाहिए, बिफोर। और आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तमाम तरह का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्रीवियस वाले वीडियोस में दिया गया है, नहीं देखा जाके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन है, द फ्लोइंग इज द पोजिशन ऑफ करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज का भी क्या है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और ध्यान से जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेट देख लेंगे, ईयर देख लेंगे कि कैसे दिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले 2022 है तब 2021, पहले 2022 है तब 2021। आदमी क्या करता है, स्टूडेंट्स क्या करता है, जल्दी जल्दी देखता है, वो 21-22 समझ लेता है प्रीवियस ईयर, और इसको क्या समझ लेता है आपका करेंट ईयर, गलत हो जाएगा। ईयर को देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपका प्रीवियस ईयर करेंट ईयर दिया है या उल्टा दे दिया है। तो आपको 21 से 22 कंपेयर करना है, क्या करना है, 21 से 22 को क्या करना है, कंपेयर करना है। 22 से 21 को कंपेयर मत कीजिएगा, प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर। तो डेट देख लीजिएगा, ऐसा भी हो सकता था कि 2021 पहले देता, 2022 बाद में देता, तो प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर कंपेयर करते हैं। लेकिन ये पहले आपका क्या दिया है, पहले क्या दिया, 2022, फिर कितना दिया है, 2021। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में क्या करेंगे, रखेंगे। तो क्या बोलता है, देखिए, ट्रेड पेबल्स प्रीवियस ईयर में कितना था, 15,000, करेंट ईयर में कितना हो गया, 10,000। तो क्या हुआ, ट्रेड्स पेबल क्या हो गया, कम गया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल पहले था 22,000, अब कितना हो गया, 23,000, तो बढ़ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले था 6,000, अभी हो गया 4,000, तो घट गया। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। आमतौर पे स्टूडेंट्स इसको बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल समझते हैं, क्या समझते हैं, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल, गलत है। ट्रेड पेबल्स मतलब क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, आपका सन्ड्री डेटर्स। तो ये जो पेबल है ना, ये क्रेडिटर्स है, और जो रिसीवेबल क्या है, आपका डेटर्स है, याद रखिएगा,
क्रेडिटर्स और डेटर्स, बिल्स पेबल नहीं है। उसके बाद क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस, बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन था तो इसको क्या किया मैंने बना दिया, आपको सारी बातों को समझा देता हूँ। और एक बात, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर को सॉल्व करेंगे या कोई भी चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो पूरा फॉर्मेट क्या करेंगे, अच्छे ढंग से बनाएंगे, स्केल से लाइन खींचेंगे, जो भी फॉर्मेट है सब क्या करेंगे, बढ़िया से बनाएंगे। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो पूरा आपको फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, और अकाउंट्स या अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको फॉर्मेट पूरा ध्यान में देना पड़ेगा। बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी करके आंसर मिला देते हैं। आंसर तो मिला दीजिएगा, आंसर आ भी जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशंस में आपको जितना मार्क्स मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, 1, 2, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा आपका, कम कर देगा। तो मेरा कहने का सीधा सा अर्थ है, पूरा फॉर्मेट के अनुसार बनाएंगे, आपको जितना मार्क्स मिलना चाहिए उससे 1, 2, 5 ज़्यादा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन नंबर 13, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पार्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यानी टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के काटने के पहले वाला, क्या बोलता है पहले वाला, बिफोर वाला चाहिए। तो देखिए आपका बोलता है ना प्रॉफिट्स में ड्यूरिंग द ईयर कितना बोलता है 2.5 लाख, इसमें टैक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को काटा नहीं गया, यानी 2.5 लाख है, तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया 2.5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इसमें टैक्स भी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी नहीं है, तो ये बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स माना ही जाएगा। प्रॉफिट कितना दिखाई पड़ेगा आपका 2.5 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, एडजस्टमेंट्स फॉर, ध्यान से क्या बोलता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को क्या करना है, ध्यान देना है, ध्यान से समझिएगा। जो जो आप क्या किए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे, तो जो जो आइटम आपने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, जिसके कारण आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम गया होगा, जिसके कारण आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम गया होगा, तो जिसके कारण प्रॉफिट कमा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट जाने के कारण, तो जो कमा है तो वो लेस हुआ है, तो हम ऐड करके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो देखिए ऐड करके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और जिसके कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ा है प्लस हुआ है उसको लेस करके क्या करेंगे, हम घटा देंगे। यानी कहने का मतलब हमको बिफोर चाहिए, क्या बोलता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, हमको पहले वाला चाहिए, तो जो घटाया गया है उसको बढ़ा देंगे, जो बढ़ाया गया उसको घटा देंगे। ये सब मैंने जब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट के बारे में बताया है प्रीवियस वाले वीडियोज़ में देख लीजिएगा, अब पूरा डिटेल्स में क्या क्या समझाया है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या ऐड, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, आप क्या किए होंगे डिप्रिसिएशन कहाँ लिखे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जिसके कारण प्रॉफिट आपका कम गया होगा तो हम ऐड करके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, पुराना वाला स्थिति में लाना है। तो डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स कितना 1.5 लाख, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स कितना 1 लाख, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स कितना हो गया आपका 10,000, ठीक है, थोड़ा 2.5 लाख बोल दिया सॉरी। उसके बाद बोलता है क्या है, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल भी कहां लिखे होंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जिसके कारण प्रॉफिट आपका कम गया हम ऐड करके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, सीधा सा बात है। तो कितना हो गया आपका 5,000। उसके बाद क्या बोलता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपने ट्रांसफर किया, इसके कारण प्रॉफिट आपका कम गया, हम ऐड करके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, कितना 7,000। अगर आप चाहते हैं कि जनरल रिजर्व ऊपर में लिखना तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 2.5 लाख, उसके बाद ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यहीं पर ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना 7,000, तो आपका 2.5 लाख 7,000 कितना हो जाएगा 2,57,000। तो जनरल रिजर्व को ऊपर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सबको जोड़िए तो 10, 5, 15 और 7 कितना हो गया 22, तो 2.5 लाख 22 कितना हो गया 2,72,000, ठीक है 2,72,000। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है ये कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जिसके कारण प्रॉफिट आपका बढ़ गया होगा हम लेस करके क्या किए प्रॉफिट को कम कर दिए, एंड जिसके कारण प्रॉफिट कमा उसको ऐड कर दिए, जिसके कारण प्रॉफिट बढ़ा उसको लेस कर दिए, क्योंकि पुराना वाला स्थिति में लाना है ना, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 3,000, और जिसको माइनस करते उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, किसमें ब्रैकेट में, तो 2,72,000 में 3,000 माइनस हो गया तो कितना बचा 2,69,000, कोई दिक्कत नहीं है 2,69,000। तो ये जो 2,69,000 आया क्या कहलाएगा देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, यानी जो आया ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये वर्किंग कैपिटल के पहले का है,
वर्किंग कैपिटल के पहले का कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसमें करेंट असेट्स या करेंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट किया गया नहीं है, वो कहाँ है, नीचे, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना हो गया, 2,69,000, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्मेट के अनुसार लिखेंगे, क्या लिखा मैंने, ऐड इंक्रीज इन करेंट असेट्स, फिर क्या लिखा, ऐड डिक्रीज इन करेंट असेट्स, ठीक है ना, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, सॉरी इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, ऐड डिक्रीज इन करेंट असेट्स, लेस इंक्रीज इन करेंट असेट्स, लेस डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। कहने का मतलब है करेंट असेट्स बढ़ेगा तो पैसा जाएगा, करेंट असेट्स घटेगा तो पैसा आएगा, करेंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो पैसा आएगा, करेंट लायबिलिटीज घटेगा तो पैसा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, ठीक है। उसी पे आपका क्या होगा, यहाँ पे सेट किया जाएगा। अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्या है, ट्रेड पेबल 15,000 से कितना हो गया 10,000, और ट्रेड पेबल्स क्या है, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज मेरा क्या हो गया, कम गया, तो लायबिलिटीज कमेगा तो मेरे पास पैसा क्या होगा, आएगा। तो देखिए आपका पैसा आया होगा, डिक्रीज इन, ऊपर में लिखे ना, क्या लिखे यहाँ पे ना, डिक्रीज इन करेंट असेट्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 15,000 से कितना हो गया 10,000 ना, तो 15,000 से 10,000 डेबिट, यानी पैसा जाएगा, सॉरी ट्रेड पेबल्स यानी आपका क्या बोलता है, करेंट लायबिलिटीज आपका क्या हो गया, कम गया, कम गया तो पैसा क्या होगा, आपका जाएगा, तो पैसा जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना 5,000, ठीक है जी। दूसरा देख लीजिए आपका 22,000 से कितना हो गया 23,000, ट्रेड डिसेबल करेंट असेट्स, करेंट असेट्स बढ़ेगा तो पैसा जाएगा। तो देखिए यहाँ भी लिखा होगा इंक्रीज इन ट्रेड डिसेबल, है ना, इंक्रीज इन ट्रेड डिसेबल, तो आपका क्या हुआ, इससे भी क्या हुआ, मेरा पैसा गया कितना 1,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेज करेंट असेट्स है, 6,000 से कितना हो गया 4,000, यानी इससे क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा, आएगा तो क्या लिखा देखिए, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज, आने वाला ऐड किए हैं और जाने वाला लेस, ठीक है। तो आपका 2,000, तो यहाँ पे 2,000 लिख दिए, एक ही आइटम है, तो 2,69,000 में 2,000 ऐड हो गया, कितना हो गया 2,71,000, उसमें से 1,000 और 5,000 दोनों कितना मिला के हो गया 6,000, तो 2,71,000 में 6,000 लेस हो गया, तो कितना बचा 2,65,000। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना 2,65,000। उसके बाद देखिए लेस इनकम टैक्स पेड या नेट टैक्स रिफंड रिसीव्ड, तो ये सब तो नहीं है, तो क्या हो गया नील, तो फाइनली नेट कैश फ्रॉम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना 2,65,000, यानी कैश आपका आया है कितना, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू 2,65,000। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनके क्या हो गया मेरा, तैयार हो गया, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आप नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन पहले आप क्या करें, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14, 14 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, बोलता क्या है, फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहने का मतलब है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। क्या दिए हुए हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। अभी तक जो आपने देखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हॉरिजेंटल फॉर्म में, कौन फॉर्म में, हॉरिजेंटल, ये कौन फॉर्म में है आपका, वर्टिकल, कौन फॉर्म में आपका, वर्टिकल फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल फॉर्म का भी फॉर्मेट मैंने बता दिया है, नहीं देखा जाके देख लेंगे, अभी समझाऊंगा, दो मिनट में समझ में आ जाएगा। देख लीजिए क्या बोलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, नेट सेल, क्या बोलते हैं आपका, नेट सेल्स, ठीक है।
ठीक है, तो नेट सेल से आपके पास कितना पैसा आया, 95,000, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकंड में अदर इनकम, जितने भी इनकम है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल में क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, प्लांट को बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ है, 17,000। कमीशन के थ्रू कितना पैसा आया है, 13,000। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स द्वारा रिफंड आ गया आपको कितना, 3,000। तो टोटल कितना आ गया, 33,000। 95,000 पहले से था, टोटल जो आपका रेवेन्यू हुआ थ्री में, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 1,28,000। ठीक है, अब नंबर फोर में एक्सपेंसेस है, सैलरीज है 38,000, रेंट है 20,000, डिप्रिसिएशन है कितना, 4,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 15,000, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड है आपका 3,000, फिर है प्रोविजन फॉर डेट्स है 2,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है 4,000, और डिविडेंड पेड कितना है आपका, 7,000। ये सब क्या एक्सपेंसेस है, पूरा सबको मैंने ऐड किया, कितना आया, 93,000। अभी मैंने क्या बोला, माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में, तो 1,28,000 में 93,000 क्या हो गया, लेस हो गया, तो 5 मिनट प्रॉफिट कितना आ गया, 35,000। कोई दिक्कत नहीं, अरे भैया सेल में इनकम को जोड़ दिए और जितना एक्सपेंसेस लॉसेस था सबको घटा दिए, प्रॉफिट मेरा आ गया। ठीक है जी, अगर यहाँ माइनस में आता तो क्या हो जाता, नेट लॉस। तो ये कौन फॉर्म में बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, अब इसके सहायता से आपको क्या बोलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या कीजिए, निकालिए। एकदम सिंपल है, फॉर्मेट सब में वही रहेगा। देखिए क्या लिखा है, सोल्यूशन नंबर 14, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना, 35,000। कितना, 35,000, तो मैंने कितना लिख दिया, 35,000। ठीक है, तो अब 35,000 आ गया यहाँ पर। अब देखिए मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, इस 35,000 में ये सब टैक्स प्रोविजन ये सब को ऐड किया गया, ये सब को लेस करने के बाद है 35,000, हमको पहले क्या चाहिए, तो जो माइनस हुआ उसको प्लस कीजिए, जो प्लस हुआ उसको माइनस कीजिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, यहाँ पे याद रखिएगा, नॉन कैश आइटम चाहिए, कैश जनरेटेड आइटम नहीं चाहिए, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले ऐड किए, क्या क्या ऐड किए देख लीजिए, सबसे पहले कौन है, हाँ एक चीज और, सैलरी और रेंट क्या किया, मैंने इसमें ट्रीटमेंट नहीं किया है, सैलरी रेंट और कमीशन का ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है आपका, कैश जनरेटेड आइटम है, क्या है, कैश जनरेटेड आइटम, तो सैलरी रेंट कैश जनरेटेड है, कमीशन कैश जनरेटेड है, इसलिए इस दोनों तीनों का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हमको क्या चाहिए, नॉन कैश, जिससे आपका क्या हो, कैश आउटफ्लो या इनफ्लो ना हो, क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से चल रहे हैं ना। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या हुआ, डिप्रिसिएशन, तो देखिए डिप्रिसिएशन 4,000, उसके बाद क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ 15,000, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेट्स 2,000, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स 4,000, डिविडेंड पेड कितना, 7,000। यहाँ पे समझिएगा, डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट है, डिविडेंड पेड रहेगा तो दो जगह जाता है, एक फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो डिविडेंड पेड रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको दो जगह ट्रीटमेंट होता है, तो आपका डिविडेंड पेड कितना हो गया, 7,000, तो 7,000 लिख दिया, तो ये सब कुछ जब मैंने ऐड किया तो कितना आया, 35,000, और 35,000 में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, देखिए ऊपर में है ना, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट कितना, 17,000, तो इससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा, हम क्या किए, लेस कर दिए, तो क्या चाहिए, बिफोर चाहिए, क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर, तो बिफोर के लिए जो माइनस किया गया उसको प्लस, जो प्लस किया गया उसको माइनस, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट से प्रॉफिट बढ़ा होगा, हम लेस करके कम कर दिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कितना हो गया, 17,000, तो 35,000 में 17,000 लेस हो गया, तो फाइनली कितना आया, 18,000। अब देखिए 35,000 पहले से था और 18,000 कितना हो गया, 53,000, 53,000। अब आपका करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटीज का आइटम नहीं है, आप चाहे तो ये सब को क्या कर सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन मैंने लिख दिया है, ऐसे क्या होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो 53,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 53,000। अब सीधा नीचे हम आइए, क्या बोलता है आपका, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हो गया आपका, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 53,000, और 53,000 में लेस इनकम टैक्स पेड या नेट टैक्स रिफंड रिसीव्ड है ना आपका, रिफंड ऑफ टैक्स इनकम टैक्स, तो आपको क्या करेंगे, नीचे में लेस करेंगे, कहाँ करेंगे, नीचे में
क्या बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपको काम करना है। तो लेस इनकम टैक्स तो नहीं है, लेकिन नेट टैक्स रिफंड रिसिप्ट कितना, 3000, कितना है आपका 3000, तो 53000 में 3000 लेस कर दिए तो फाइनली प्लस में आया। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हो गया मेरा, 50000। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, अगर आपके पास न्यू बुक एडिशन है 2023-24 वाला, या जिसमें आपका आंसर किसी किसी में 50000 नहीं रहेगा, किसी किसी में 50000 नहीं रहेगा, वो 50000 में जो कमीशन है ना 13000, वो आपका लेस करने के बाद 37000 रहेगा। कितना 37000, 37000 रहेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 37000 कोई कोई बुक में है और यहाँ पे आपने 50000 निकाला, तो जो नया वाला बुक उसमें नोट के रूप में लिखा है कि कमीशन को वो बिजनेस का कमीशन मानता नहीं है, कमीशन को बिजनेस का कमीशन मानता नहीं है। नहीं मानेगा तो सीधा सा मतलब है कि क्या हो जाएगा, मेरा घट जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो हम क्या किए हैं, जो आपका कमीशन है उसको बिजनेस से ही रिलेटेड मान रहे हैं, इसलिए मेरा कितना है 50000। और एक बात, ये कमीशन इनकम में है, याद रखिएगा, यहाँ पर भी गलती करता है, अदर इनकम, कमीशन मिला है, क्या हुआ, कमीशन मिला है, इनकम है, क्या है कमीशन, इनकम है। तो अगर आप इनकम मान के, हम मान के चल रहे कि भैया ये बिजनेस से रिलेटेड है, तो मेरा 50000 है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये बिजनेस वाला नहीं है, तो 50000 में 13000 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 37000। तो अगर बिजनेस रिलेटेड मान के चलेंगे इनकम, तो आपका प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप इसको हटा देंगे तो 50000 में 13000 लेस कर दीजिए, कितना आएगा, 37000। लेकिन अगर 37000 आप दिखाएंगे तो नोट के रूप में लिखना पड़ेगा कि कमीशन को हमने बिजनेस रिलेटेड कमीशन नहीं माना है। आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 बना के दिखाते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको तुरंत क्वेश्चन नंबर 15 बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 15 को समझ जाते हैं। बोलता है क्या, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन में गलती से लिख दिया है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला हेड चल रहा है ना, अभी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला क्वेश्चंस बना रहे हैं उसी हेड में, तो गलती से लिख दिया है क्या बुक में कि आप प्रिपेयर क्या करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, वहाँ पर सुधार लीजिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है जी। पार्टिकुलर से उसके बाद क्या है, अमाउंट, अमाउंट ये आपका कौन सा फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। ये एक तरह से क्या, कंपनीज का केस है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल कितना है, 60000 80000, और देखिए यहाँ पे ईयर सही दिया है 21 और 22, ठीक है जी। तो 21 से 22 कंपेयर करेंगे, देख लीजिएगा, 22 21 भी दे सकता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर वाला कंपेयर करना याद रखिएगा। तो शेयर कैपिटल कितना है, 60000 से 80000 हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस, 80000 से 110000 हो गया। करेंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, 40000 से 30000 हो गया। अदर करेंट लायबिलिटीज, 40000 से 45000 हो गया। ये पूरा डेटा दिया हुआ है। नीचे में देखिए, असेट्स है, नॉन करेंट असेट्स, फिक्स असेट्स, 1 लाख से 1 लाख 10 हज़ार हो गया। इन्वेस्टमेंट, 40000 से 60000 हो गया। करेंट असेट्स, इन्वेंट्रीज, 30 से 45 हो गया। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक होता है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, 30000 से 40000 हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, 20000 से 10000 हो गया, ठीक है। सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है, हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बात को समझिएगा। बोलता क्या है, प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कितना था, 80000, और आपका करंट ईयर में कितना हो गया, 1 लाख 10 हज़ार। तो ड्यूरिंग द ईयर मतलब 21 और 22 के बीच में प्रॉफिट कितना हुआ, 30000।
कितना हुआ 30,000, पहले से था 80,000, अभी कितना हो गया 1,10,000, तो आपका 30,000 ना करेंट ईयर में प्रॉफिट हुआ होगा, तो 80 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1,10,000। तो हमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने क्या किया, 1,10,000 में 80,000 लेस कर दिया, तो करेंट ईयर से प्रॉफिट या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया मेरा 30,000। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका नॉन ऑपरेटिंग या ये सब आइटम्स नहीं है। देखिए अगर फिक्स असेट्स कम जाता, 1,00,000 से कम जाता, मान लेते 90,000-80,000, तो थोड़ा सा मान के चलते हैं कि डिप्रिसिएशन से कम होगा, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ा है। बढ़ा इसका मतलब क्या हुआ, परचेज हुआ, तो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुरंत मैं इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग एक्टिविटीज़ भी बताऊँगा, फिर फाइनली क्या बताऊँगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही ज़्यादा लगता है। तो फिक्स असेट्स बढ़ा है तो खरीदा है, सीधा सा बात है। तो यहाँ पर अब क्या जाएगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 30,000। उसके बाद देखिए एड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज क्या हुआ है हम लोग जोड़ेंगे, इंक्रीज इन अदर करेंट लायबिलिटीज, तो इंक्रीज किया तो आपका क्या हुआ, कैश आया। देखिए आपका क्या बोलता है, अदर करेंट लायबिलिटीज 40 से 50 हो गया ना, तो कैश आया कितना 5,000, क्योंकि करेंट लायबिलिटीज बढ़ता है तो कैश क्या होता आता है, तो 5,000 हो गया। उसके बाद 30,000 और 5,000 कितना हो गया 35,000। उसके बाद आपका क्या हुआ, पैसा गया है। देखिए इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या हुआ, बढ़ गया 30,000 से 45,000 हो गया, कैश आउटफ्लो हुआ। फिर क्या बोलता है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कैश आउटफ्लो हुआ 30 से 40 हो गया तो 10 हो गया जी। उसके बाद डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, देखिए ऊपर में है आपका 40 से 30 हो गया, तो इससे भी कैश क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, तो आउटफ्लो कितना हो गया 15,000, 10,000, यानी कितना हो गया 35,000। तो 35,000 इनफ्लो भी हुआ, 35,000 आउटफ्लो भी हुआ, तो नेट क्या हो गया, नील, क्या हो गया, नील। तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हो गया, नील। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके मन में सवाल होगा कि सर शेयर कैपिटल, उसके बाद आपका ये फिक्स असेट्स, ये सब का ट्रीटमेंट नहीं किया, ये सब ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग का पार्ट है, जो इसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे बताएंगे। आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।